फ्रेंड्स, आज हम स्मृति चित्रण में आपको बाल्टी का चित्र बनाएंगे। देखिए, स्मृति चित्रण जैसा कि आपको पता ही है, स्मृति चित्रण हम बगैर देखे बनाते हैं, अपनी मेमोरी के द्वारा बनाते हैं। जो हमने पहले कभी देखी है उसी शेप को ध्यान में रखते हुए हम बगैर देखे उसका चित्र बनाते हैं। तो बाल्टी सभी ने देखी किस शेप में होती है। तो बनाने के लिए आप चाहें तो स्केल का यूज़ कर सकते हैं। सबसे पहले हम नीचे 7 सेंटीमीटर की एक रेखा खींचेंगे। ये 7 सेंटीमीटर की रेखा हमने खींची है, 7 ये यहाँ, और 7 का हाफ होता है 3.5। यहाँ पर निशान हमने लगा लिया है। अब जितनी हमें बाल्टी की लंबाई रखनी है, मान लिया हम ये 9 सेंटीमीटर हमने इसकी लंबाई रखी है, ये निशान हमने लगा लिया है ऊपर 9 सेंटीमीटर का। अब 7 सेंटीमीटर हमारे नीचे की रेखा थी, तो ऊपर की जो हमें इसकी चौड़ाई रखनी है वो 9 सेंटीमीटर रखेंगे। 9 का हाफ कितना होता है, 4.5। 4.5 इस पॉइंट को पे रख के एक 9 सेंटीमीटर की रेखा हम इधर खींचेंगे इस तरह से। अब हमें ये रेखा जो हमने खींची है ऊपर की तरफ, यहाँ पर इस तरह से निशान लगा लेंगे ऊपर की तरफ ऐसे। अब इस रेखा को और इस रेखा को हल्का सा नीचे को गोलाई लेते हुए इसको मिला देना है इस तरह से। इस तरह से मिला देना है और ये दूसरी रेखा को भी इस निशान से और इस निशान तक नीचे को गोलाई लेते हुए ही इसको भी हमें मिला देना है ऐसे। अब हमें इस यहाँ से हल्की सी गोलाई लेते हुए इस तरह से और ठीक इसी तरह से इधर से गोलाई लेते हुए इसको ऊपर को उभार देते हुए अंडाकार शेप में ऐसे मिला देना है इस तरह से। अब यहाँ से हल्की सी जगह छोड़कर यहाँ एक निशान लगाना है और ये इधर भी सेम यह निशान यहाँ लगाना है। नीचे वाली रेखा से ऊपर वाली रेखा को हल्का सा गोलाई में, बहुत हल्का सा इस तरह से मिला देना है इसको। हल्की सी गोलाई हमने दी है इधर, इस रेखा को भी इसी रेखा से ऐसे मिला देना है। अब हमने जो नीचे वाली जो रेखा खींची है उसको भी हल्की सी गोलाई में गोलाई देनी है नीचे की तरफ इस तरह से। और नीचे इसकी पेन भी बनाने के लिए यहाँ एक निशान लगाएंगे, एक यहाँ हम निशान लगाएंगे इसको ऐसे। बना लेंगे हमने जो बीच में रेखा खींची थी इसको इरेज कर देंगे। स्केल से हल्के हल्के हाथ से
दोनों निशान इसमें लगा लेंगे। अब हमें इसके कोनों पर यहाँ हल्की सी गोलाई देनी है। इसको इस तरह से गोलाई दे देंगे इनको। पकड़ने के लिए अब इसमें हैंडल बनाना है इसका। यहाँ से बनाएंगे। लाइन को दोहरा कर देते हैं। अब हमें इसमें शेडिंग करनी है अंदर की। हाथ से इस तरह से मिक्स कर देना है। हल्की सी शेडिंग यहाँ करनी है। और यहाँ नीचे इस तरह से बनाना है अपनी ड्राइंग शीट पर।